हरि ओम हरि हरा। भगवान की कृपा से मेरा पैर लगते ही तुम्हारा दरिद्र दूर हो जाएगा। त्रिपति कृपा से, वासुदेव कृपा से धन की प्राप्ति हो। लक्ष्मी, इस कॉलोनी में साक्षात लक्ष्मी देवी आई है, कहीं हमारा वहन तो नहीं? चलो देखेंगे। लक्ष्मी देवी सच्ची में लक्ष्मी देवी माँ आई है। माता आ चुकी है, बहुत जल्दी आने वाली है। पीछे हट। अरे बाबा, अरे बाबा, लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी बहुत प्रसन्न हो गई है तुम पे। सच में स्वामी जी? हाथ मत कर, तुम्हें पैसा देगी करके बोली है माँ। ना स्वामी। बात मत कर, 100 लाख। 100 लाख स्वामी? हाथ मत कर। कब मिलेगा स्वामी? माँ लक्ष्मी देवी आओ, तो वेटिंग कर रहा। 100-200 कम भी रहेगा तो भी चलेगा, हिसाब किताब बाद में देख लेंगे। नहीं स्वामी, वो भी लाने को कही है स्वामी। बोलती है वो भी लेके आओ माँ, मानने वाली नहीं है। वैकुंठ पार कर ली, वैकुंठ क्रॉस कर ली, इंद्रोक से पास कर ली, बादल में आ गई। वो देखो तुम्हारे छत पे। स्वामी स्वामी क्या हुआ? स्वामी बैठो स्वामी, क्या हुआ स्वामी? क्यों जा रहे हो अब रूट का स्वामी? अभी और क्या, तुम्हारे बाप ने मन्नत रखी थी कि तुम्हारा मुंडन तिरुपति में कराएंगे, लेकिन मन्नत पूरी नहीं की थी, इसलिए हनुमान जी अपनी धूम बीच में रखे लक्ष्मी देवी को आने नहीं दे रहे हैं। अरे अभी क्या उपाय करें स्वामी जी? हरि ओम हरि हरा। भगवान की कृपा से तिरुपति की छुरी मेरे पास है, तुम मन्नत पूरी करो, हनुमान अपनी धूम हटा देंगे और माँ धन की थैली दे देंगी। जल्दी मुंडन कर दो स्वामी। अच्छा बेटी, तुझे तो लाखों रुपए मिल रहे हैं, मुझे कितना दोगी? आपका उपकार नहीं रखूंगी स्वामी, 111 रुपए दे दूंगी। छे, तुम कितनी बड़ी लालची हो, तुम्हें लाखों रुपए मिल रहे हैं और मुझे सिर्फ 111 रुपए? अच्छा ठीक है, और 10 रुपए दे दूंगी। वाह, तेरे जैसी बालिका घर में एक क्षण भी रहना पाप है। जा रहा हूँ मैं। स्वामी ऐसे क्यों जा रहे हो स्वामी? चल हट, मेरे पीछे मत आ। अरे अरे स्वामी स्वामी, आप आधा मुंडन करके कहाँ जा रहे हो स्वामी? अरे बाप, कॉलोनी वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे, स्वामी जी ऐसा आधा मुंडन करके क्यों चले गए? मुंडन करवा लो मुंडन, वस्त्र में ब्लेड डाल के करूंगा, अच्छे से करूंगा साफ करके। ओ भाई साहब इधर आओ ना। आया माँ जी, आया। बताइए, पति मरा मुंडन है तो 10 रुपया, मन्नत का मुंडन है तो 20 रुपया, आपका कौन सा टाइप का है? आधा मुंडन नहीं चलेगा, किसी और के शुरू किए हुए काम को मैं पूरा नहीं करता हूँ। ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा भाई, आधे मुंडन में बाहर कैसे जाओ? कितना चाहिए बताओ? 1000 रुपया। 1000 रुपए? कुछ कम करके बोलो। बोलता हूँ 1500। नहीं नहीं, पहले का नक्की करो। मुंडन करवा लो मुंडन, पूरे सर का 10 रुपया, आधे सिर का 1000। अरे अतली, तू ऐसा नहीं था रे, एक ही दिन में इतने लोगों का आधा मुंडन कर दिया। अरे पूरा मुंडन अब मैं करता हूँ। शांत हो जाइए, एमएलए साहब बिजी है। मुझे बताइए, मैं उनकी पत्नी हूँ, बोलिए। माँ जी, अतली करके कोई चिदंबरम स्वामी आया था, हम पे कितना जादूगर का बड़ा सर बढ़वा के डालेंगे। मैं अपना दुख किसको बताऊँ अम्मा? मामा बांजे, पूरा कलेक्शन 36,000 रुपए, 6,000 को बाजू में कर देंगे तो पूरा राउंड फिगर 20,000 रुपए। अभी वो क्या है? अब लो, अभी 5 रुपए को 5 पैसे का राउंड फिगर करे तो कितना? 5 रुपए? वही तो मैं बोल रहा हूँ, 6,000 को बाजू में रखेंगे बचा 20,000। ऐसा बोल, मुझसे धोखा नहीं चलेगा। दोनों लोगों ने मिलकर काम किया है, 10 तेरे 10 मेरे। थैंक यू। ये 10 मुझे दे, आधा सिर तुमने काटा आधा मैंने काटा, इसलिए 50-50। पूरा हड़पना चाहता है क्या? मेरे बाप, बचपन से देख रहा हूँ, कभी भी तूने बराबर पैसे नहीं दिए, पूरा तू ही रख लेता है। नहीं चाहिए, ला। और मुझे ये देता है, धोखा देने वाला आदमी कभी भी ऊपर नहीं उठता। तू तो बहुत बड़ा पुजारी है ना। अबे 1000 तो देना, चल 500 तो देना, 10 रुपए देना। अबे बहुत माल गिन रहा है, किधर से लाया रे? अभी तो सीढ़ी उतरा हूँ, थोड़ा तो दम लेने दो, तुम्हें तो पता है कितना चल रहा हूँ, थोड़ा ही तो खा रहा हूँ, न जाने कब कम होगा ये शरीर। शरीर कम नहीं हुआ तो दिल का दौरा पड़ेगा। क्या हुआ आपको? उठिए,
क्या हुआ आपको? अरे उठिए, कुछ बोलते क्यों नहीं? मामा जी देखिए इनको क्या हो गया। कौन? जरा कोई देखिए प्लीज। हार्ट पेशेंट के पास आवाज किसने किया बताओ, नहीं तो पुलिस को कंप्लेंट दे दूंगा। इज्जत से बोलो, किसने किया है नाम बताओ। पहले ही कहा था बदन पे इतना सोना मत डालो, इससे भी दिल का दौरा पड़ सकता है। सत्ती बाबू यार, मोवेट 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 मोवेट। अरे तुम्हारे गली की चेन का ओम चोरी चोरी भर अंदर चोरी अब बोलू चतुर्भुज। ओम कृष्णाय नमः, ओम विष्णुय नमः, ओम मक्खन चुराय नमः, ओम ब्लेडाय नमः, ओम कचराय नमः, ओम तिली गौड़ कमनशाय नमः। भगवान आपके आशीर्वाद से दिन रात मैं कष्ट करके वेणुगोपाल स्वामी के मंदिर से आपको उठाकर लाया हूँ। भगवान तेरी कृपा से, आपकी दया से एनटीआर गार्डन का बेंच स्वाहा, दूध केंद्र का दूध केन स्वाहा, गांधी गली का पोस्ट बॉक्स स्वाहा, रेलवे स्टेशन का टीवी स्वाहा और पब्लिक बूथ का टेलीफोन स्वाहा। हेलो सत्ती भांजा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए सर? मामा किसका फोन है? अपने चोरों का इन्फॉर्मर फोन। तू जो देखा वही लड़की चंबल दा शादी में आई है। हाँ। और जो घर देखा ना उसका घर है। और क्या, हफ्ते भर तक ठिकाना अपना वही। ओके, बाजू की गली में चार लॉरी खड़ा कर देता हूँ, सारा सामान चुरा के रख देंगे। अबे दुआ, अपन उधर अपना लव मैटर सेटल करने के लिए जा रहा है। तुझे लव नहीं हो सकता क्या? अबे संभल के रहना, उधर कुछ नाटक किया ना उधर ही काट के शादी वालों को पुलाव बना के खिला दूंगा। अरे तेरी तो मेरा धंधा किधर आ रहा है, निकाल दूंगा। ए सती चल बोल दे अंदर से। अरे अरे अच्छा अच्छा प्यारे प्यारे बच्चा, अंदर अंदर चलो चलो अंदर चलो चलो। इस बार के लिए छोड़ दे, इस कॉलोनी की औरतें अच्छी नहीं है। यात्री उससे भी ज्यादा खतरनाक है और मेरा दिमाग खराब हो गया। तेरे घर में आग लग जाए, तेरे सारे बाल झड़ जाए। भांजे डरना मत, नीचे मत हटना। ये मैटर आज खत्म करने का है। समझ, आज मैटर खत्म हो गया। अरे सन्ना से बदबू ला रहा, पिल्लल भी डंटरा में प्रताप पालो। बच्चे के ऊपर क्या, मैं तेरे आदमी को भी धोऊंगा। मां मोगली को डुबता रहा। हां धोऊंगा। नुपे घर का मगाड़ी बैठे, नी के घर का दम उठे ना वो वाटी प्रा रा रा। ये क्या कर रही है? कि मदारू की देखने के लिए मैं को कपड़ा उतारूं? वो जो बोला वो करके ही रहेगा, मुझे छोड़। देखा मेरा पावर, निकलो यहां से। अबे तुझे काट के नमक मिर्ची भरे बगैर नहीं जाएंगे, समझा? मरेली कहीं की, तू बाल पकड़ती मेरे। ఇంకో సారి మా పిల్లలు జోలికి వచ్చావంటే నిన్ను ఉత్తి కారేస్తాడు రే। अपन को धोने की बात करते हैं, अपन एक ही हाथ से तुम सबको धो डालेगा, समझी क्या? दोबारा यहाँ पे दिखाई मत देना। अरे दूसरी बार सत्ती बाबू से पंगा लेगा, नंगा करके रख दूंगा। अतिली हाँ, औरतें थे इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो आज मैं पता नहीं क्या कर देता। बंदर की तरह दीवार पे चढ़ के तमाशा देख रहा था और मुझे हेलमेट से भी मारता। क्या हुआ भांजे? मामा काले बिल्ली सामने आए तो भी चलेगा, लेकिन बच्चे नहीं आना चाहिए। शनि बड़ा शनि, तू छी। एंट्री किधर है? दरवाजा तो सामने है। वो सब मैं जानता हूँ, इधर हफ्ते भर सेटल होने के लिए एक को पागल बनना पड़ेगा। उधर देख, वो सॉलिड पर्सनालिटी दूल्हे की माँ होगी। हाय अंकल। हाय बेटी। कौन है ये? मेरी बेटी की फ्रेंड। इनको इतनी भी तमीज नहीं है कि सामने बैठे बड़ों के पैर छू के जाना चाहिए? आजकल की लड़कियाँ कितनी बदतमीज हो गई हैं। है, मालूम नहीं है। मौसी मौसी, मेरी प्यारी मौसी। उठो बेटा उठो, देखा है इनके संस्कार। चल पैर पर।
दोबारा पढ़। हाथ में आते आते फिसल गई। अरे रे, उठो बेटा। ये दो बार पैर नहीं छुएगा तो उसको लगता ही नहीं कि पैर छुआ। मौसी कौन है जी आप? मौसी ये हमारे करीब के रिश्तेदार है, देखा इनके संस्कार। जाओ बेटा तुम अंदर जाओ। थैंक यू मौसी। मैं भी अंदर जाऊं? हाँ बेटा। आपके नजदीक के रिश्तेदार हैं क्या? ए तू इधर क्या कर रहा है? उधर जा चल। अबे तू खड़ा क्यों है? वो टिफिन लेके जा वहाँ पे। तुम सब लोग यहीं रहोगे तो हमारा काम कैसे होगा? पागल कहेंगे सब। पुलिस आए, सारे चोर लोग छुप जाओ। पुलिस पुलिस मर गए। आउट आउट, चोर मिल गया, चोर मिल गया, मैंने पकड़ लिया। आ जाओ अरे बच्चे। सीटी तूने ही बचाई बेटा। या आ, चॉकलेट देता हूँ। आ जा। तू इंग्लिश जानता है? मैं तेरी सीटी ला देता हूँ। ये ले। अरे भांजे मरवाएगा क्या? अबे छोड़ उसको, जाते जाते। मैं तेरी सीटी निकालता हूँ।